एक बार की बात है, गजमुख नाम का एक भयानक असुर था जिसने हाहाकार मचाकर तीनों लोकों में भय फैला दिया था, जिसके कारण वह असुरों का राजा बन गया था। वह खुद को बहुत शक्तिशाली और धनवान बनाना चाहता था। गजमुख ये चाहता था कि पूरे विश्व पर वह राज करे और साथ ही सभी देवी देवता उसके वश में रहे। देवी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने भोलेनाथ की तपस्या करना शुरू कर दी। वह भगवान शिव से वरदान पाने के लिए हमेशा तपस्या करता रहता था, यहाँ तक कि वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिवजी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना खाए पिए दिन रात तपस्या करने लगा। अब गजमुख को तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए। उसकी कड़ी तपस्या को देख शिवजी प्रभावित होकर उसके सामने प्रकट हुए। गजमुख से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे दैविक शक्तियां प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। इसी के साथ गजमुख को सबसे बड़ा वरदान ये मिला था कि किसी भी शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसने देवी देवताओं पर भी आक्रमण करने शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे उसका आतंक सभी लोकों में फैलने लगा। भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी के अलावा कोई भी उसके आतंक से बच नहीं पाया। सभी देवतागण भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे कहा कि असुर गजमुख यह चाहता है कि हर कोई उसकी पूजा करे। सब सुनकर शिव जी ने गणेश जी को असुर गजमुख का आतंक रोकने के लिए भेजा। अब गणेश जी और असुर गजमुख के बीच बड़ा भयानक युद्ध हुआ। गणेश जी ने असुर गजमुख को पूरी तरह से घायल कर दिया, परंतु गजमुख नहीं माना। उसने फिर से आक्रमण किया। इस बार असुर गजमुख ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूद कर उसके ऊपर बैठ गए। गजमुख के कई प्रयास के बाद भी गणेश जी नहीं उतरे और उसके ऊपर ही बैठे रहे। गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया, जिसके बाद गजमुख को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भी अपने इस रूप में खुश हो गया, क्योंकि अब वह गणेश जी का प्रिय मित्र और वाहन बनकर रहने लगा।